तो चौथा स्टेप इस तरह से चलते जाएगा ठीक है ना इस तरह से चलते जाएगा तो जो बॉल है वो पहला स्टेप्स यहाँ से मान लो निकलेगा बॉल जो है यहाँ से नीचे गिरने वाला है ठीक है रोल ऑफ द फर्स्ट स्टेप मान लो कितना स्पीड से v वन स्पीड से गया ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये भी x है और जो वेट्थ आप देख रहे हैं एक स्टेयर का वो भी x है तो ये फॉल करता है और पहला स्टेप के एंड से ये फॉल करता है बॉल रॉल्स ऑफ द टॉप लैंडिंग ऑफ द स्टेयर केस इट स्ट्राइक्स द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप मिड पॉइंट मतलब एक्स बाई टू पर यह स्ट्राइक करेगा इस तरह से आ के यहाँ पे स्ट्राइक करेगा फिर यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ऊंचाई पे जाएगा और फिर आ के यहाँ स्ट्राइक करेगा ठीक है और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा तो देखो यहाँ पर क्या है कि कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो ई e ले लेते हैं ठीक तो जब ये पहली बार कोलाइड किया तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगा ना वी वन वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि जो भी कोलिजन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा ना कि हॉरीजोंटल डायरेक्शन में तो हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये वर्टिकल में नीचे आने से ये कुछ वेलोसिटी जो है गेन करके यहाँ टकराएगा तो मान लो कि जब ये यहाँ से फॉल किया तो वी टू वेलासिटी गेन कर लिया ठीक और टकराया अब जब ये टकराया तो फिर वापस उठ करके इसको जाना भी है नीचे तो जितना वेलोसिटी से टकराया था उतना वेलोसिटी से उठेगा नहीं e टाइम्स v2 से उठेगा ठीक है ये e कॉफिशियन ऑफ रेस्टिट्यूशन है इस वजह से उठने पर इसका वेलोसिटी e v2 हो जाएगा यहाँ तक समझ में आया तो मान लो इस पॉइंट का नाम है सपोज करो कि इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं आ, कुछ भी ले लो a और इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी इस तरह से हम नाम रख देते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम जो होगा पूरा ए से बी तक जाने का जो टाइम होगा तो टाइम अगर हम निकालना चाहते हैं ए से बी टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स डायरेक्शन में ए से बी जाने पर एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ एक्स बाई टू और एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना था वी वन तो इसलिए डिस्टेंस इन एक्स बाई स्पीड इन एक्स तो टाइम ए से बी निकल गया सेम उसी तरह से अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं बी से सी तो डिस्टेंस देखो कितना है यहाँ से ले कर के यहाँ तक का डिस्टेंस x बाई टू फिर यहाँ से ले कर यहाँ तक का x बाई टू तो टोटल डिस्टेंस x में x कवर होगा x बाई टू प्लस एक्स बाई टू और वेलोसिटी कितना है तो v ही है v1 ही है तो ये हो जाएगा टाइम a से b जाने का और टाइम b से c जाने का ठीक है समझ रहे बात a से b और b से c क्लियर हो गया यहाँ तक अब एक बात और कि हम यहाँ पर v2 का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं रूट अंडर टू जी एक्स क्यों क्योंकि a से b जाने पर y डायरेक्शन में कितना नीचे आ रहा है x नीचे आ रहा है और y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी गेन हो गया v2 टू सो वी टू इक्वल टू टू रूट अंडर टू जी एक्स लिखा जा सकता है यहाँ तक समझ गए क्लियर है और अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो v2 टू इक्वल्स टू यू तो था नहीं मतलब इनिशियली y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी था नहीं तो g इन टू टाइम ए से b ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम तो जो a से b है वो आपका v2 टू अपॉन जी यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये सब इक्वेशन हम निकाल ले रहे हैं क्योंकि ये हमको आगे काम आने वाला है समझ गए तो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम मोशन देखते हैं फ्रॉम ए टू बी टू सी फॉर मोशन बी टू सी और मोशन बी टू सी देखते हैं साथ ही साथ मोशन हम वाई एक्सिस में देखते हैं तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और सारा कुछ हम वाई के अलाग लिखना पसंद करेंगे ठीक है तो वाई के अलाग अगर हम बी से सी जाते हैं तो मेरा जो डिसप्लेसमेंट होता है वो एक्स होता है लेकिन डाउनवर्ड में इसीलिए माइनस एक्स u अलॉन्ग y कितना था मेरा तो देखो जब b से c जा रहे थे तो b से c जाने के लिए हमको v2 से टकराना पड़ा था और कितना से उठना पड़ा था ई e वी से किधर उठना पड़ा था ऊपर इसलिए पॉजिटिव तो इनिशियल वेलोसिटी ई e वी और b से c जाने का टाइम कितना है तो b से c जाने का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे x बाई वी वन आपको दिख रहा होगा और ये x बाई वी वन क्या है तो ए बी जा ए से बी जाने का जो समय उसका दोगुना है ठीक है तो आप मान लीजिए कि इसको हम सपोज करो कि टी मान लेते हैं सॉरी uh, इसको अगर हम टी मान लेते हैं ठीक है तो इसका दो गुना कौन है टी बी सी समझ गए तो इसका दो गुना कौन है टी बी सी क्योंकि देखो अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर दे तो यही आ जाएगा तो टू टी है ये यह। तो यहाँ पे तुम क्या करो कि बी से सी जाने का टाइम को रख दो टू टी प्लस प्लस नहीं हाफ क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जी लगेगा नीचे माइनस हाफ जी इंटू टाइम की जगह टू टी का स्क्वायर बोलो यहाँ तक क्लियर आ गया सब कुछ वाई में हमने लिख दिया बी से सी के लिए अब आगे देखो माइनस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा टू इंटू इंटू टू इंटू ई और इंटू वी टू इंटू टी ठीक है सॉरी तो टू इंटू ई और वी टू इंटू टी टी कौन है ए बी का समय और ए बी का समय यहाँ पे दिया हुआ है वी टू बाई जी तो यहाँ पे क्या करो कि टू रहेगा ई e रहेगा वी टू रहेगा और टी के जगह कितना रख देंगे वी टू अपॉन जी तो ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर बाई जी ठीक है माइनस हाफ जी इंटू टू टी स्क्वायर तो फोर टी स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा वी टू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर यहाँ तक समझ गए अब इसके आगे बढ़ते हैं सो माइनस एक्स इक्वल्स टू टू इंटू ई देखो वी स्क्वायर बाई जी इन दोनों को क्या करो दोनों साइड स्क्वायर करो तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स हो जाएगा तो वी स्क्वायर बाई जी को टू एक्स लिख देंगे सो टू इंटू टू एक्स माइनस एक जी कट जाएगा यहाँ से और एक टू कट जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा टू इंटू वी टू स्क्वायर बाई जी फिर से वी टू स्क्वायर बाई जी को क्या लिख देंगे टू एक्स तो टू इंटू टू एक्स क्लियर है तो यहाँ तक आ गया अब सब जगह से देखिए एक्स कैंसिल हो जा रहा है तो आपका इधर आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन यहाँ आ जाएगा फोर इंटू ई और यहाँ आ जाएगा फोर ये उधर चला जाएगा तो माइनस फोर प्लस फोर माइनस वन थ्री इक्वल टू फोर ई तो यहाँ से e का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई फोर तो ये मेथड था जिससे हमको बनाना था और हमने पूरा कोशिश किया कि आपको ये समझ में आए एक एक स्टेप हमने यहाँ रीज़न के साथ लिखा है अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग